मोटोरोला ने ये दो स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये है मोटो एज 30 अल्ट्रा और ये है मोटो एज 30 फ्यूजन। ये दोनों ही स्मार्टफोन्स प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज के दौरान आपको एक्साइटिंग प्राइजेस में मिल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको ये मोटो एज 30 फ्यूजन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है, देखते रहिए। तो ये है मोटो एज 30 फ्यूजन का बॉक्स पैक। ये जो बॉक्स पैकिंग है काफ़ी अलग है, जो कलर है वो भी काफ़ी अलग है, एंड ये इको फ्रेंडली पैकिंग है, मतलब कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली पैकिंग है। चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स पैक है, अगेन ये भी इको फ्रेंडली पैकिंग है, प्लास्टिक फ्री रिसाइकलेबल सोय इंक। और इस बॉक्स के अंदर कुछ बुकलेट्स हैं, सिम ट्रे, इजेक्ट पिन, ये सिलिकॉन केस दिया हुआ है। अभी जो सिलिकॉन केस है ये काफ़ी स्लिम टाइप का है, ये देखिए यहाँ से ही आपको आइडिया मिल जाएगा। और इसे स्पेसिफिकली ये जो स्मार्टफोन है इसके लिए डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है ये भी अलग है, तो स्मार्टफोन को इस प्रकार से पैक किया हुआ है। वैसे स्मार्टफोन का जो कलर है ये काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है, ये देखिए ऑलमोस्ट ये जो बॉक्स पैक है इसके साथ में मैच हो रहा है। और जो हैंड फील है एकदम प्रीमियम लेवल का है, मतलब कि ये जो स्मार्टफोन है जब आप इसे पहली बार अपने हाथों में पकड़ेंगे आपको एक तरह से सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ये काफ़ी बढ़िया है। और जैसे कि मैंने कहा है जो केस है खास करके इसके लिए बना हुआ है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसका जो स्क्रीन है ये देखिए ये कर्व्ड है, और ये जो केस है ये बेसिकली यहाँ पर इस प्रकार से लग जाता है, और बढ़िया तरीके से ये जो कर्व एरिया है इसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो इसके अलावा बॉक्स में ये देखिए ये चार्जर दिया हुआ है, ये 68 वॉट का चार्जर है, टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है, और ये है टाइप सी टू टाइप सी केबल। ये सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर आप दो नैनो सिम का उपयोग कर सकते हैं। वैसे इस हैंडसेट में माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों को इसका जो कलर है ये काफ़ी पसंद आया होगा। वैसे ये सोलार गोल्ड कलर वेरिएंट है, काफ़ी इम्प्रेसिव और यूनिक टाइप का दिखता है। हैंडसेट का जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी बढ़िया है, कर्व्ड डिस्प्ले दिया हुआ है, प्लस जो बैक है ये भी कर्व है। इनफैक्ट जब आप इसे हाथों में पकड़ेंगे आपको एक अलग ही फील मिलता है, और ये काफ़ी लाइटवेट भी है। इसका वज़न है तकरीबन 175 ग्राम्स, और ये 7.45 mm स्लिम है, IP52 सर्टिफिकेशन के साथ में आता है, पीछे मैट फिनिशिंग दिया हुआ है, कैमरे का मॉडल भी काफ़ी अलग है, ये डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ में आता है, ये एंड्रॉयड 12 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। और मोटोरोला के जो स्मार्टफोन्स होते हैं इन पर आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है, और LPDDR5 रैम का उपयोग किया गया है, 8GB रैम है इसमें, और 128GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। स्क्रीन 6.55 इंचेस का है, एंडलेस एज डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले, ये एज लाइटिंग के साथ में भी आता है, 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, अगेन काफ़ी बढ़िया है, पीओलेड डिस्प्ले है 10 बिट, 1100 nits ब्राइटनेस है, धूप में बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है, TCP/IP3 और HDR10+ सपोर्ट के साथ में आता है। ये जो ग्लास है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। ये जो एज लाइटिंग है इस प्रकार का है, मतलब कि जो डिस्प्ले का साइड है यहाँ पर आपको लाइटिंग इफेक्ट्स मिलता है, खास करके इनकमिंग कॉल्स के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए वगैरह वगैरह। रियर साइड पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, और एक डेप्थ सेंसर दिया हुआ है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, ये 8K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, इससे आप समझ गए होंगे कि इसमें जो चिपसेट है वो कितना पावरफुल है। मैंने इससे कुछ शॉट्स शूट किया हुआ है, उसका जो कैमरा सैंपल है वो मैं आपको बता देता हूँ। कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इसकी जो कैमरा क्वालिटी है ये कैसे लगी। ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है, इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ 5G चिपसेट का उपयोग किया गया है, 13 5G बैंड्स सपोर्ट करता है, 4400 mAh की बैटरी है, और 68W का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, तो बैटरी लाइफ आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। प्लस जो चार्जर दिया हुआ है 10 मिनट्स का चार्ज आपको ऑलमोस्ट 1 डे का बैटरी लाइफ दे सकता है। तो ये जो हैंडसेट है इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया, प्लस अभी तक मैंने इसे जितना भी यूज़ किया है इससे मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। मोटोरोला के जो स्मार्टफोन्स है काइंड ऑफ नेक्स्ट लेवल स्मार्टफोन्स है, प्राइसिंग भी इसका काफ़ी बढ़िया है। इसमें डुअल स्पीकर्स दिया हुआ है, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ में आता है, 2 माइक्रोफोन्स है, Wi-Fi 6E सपोर्ट के साथ में आता है, तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन्स पर मिलती है, और इसका जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी अच्छा है। ये जो मोटो एज 30 फ्यूजन है इसका लॉन्च प्राइस तो है 42,999, लेकिन
फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज के दौरान ये आपको तकरीबन 39999 में मिल सकता है। इतना ही नहीं, जियो के ऑफर्स भी अवेलेबल हैं, आपको तकरीबन 7699 रुपीस का बेनिफिट मिल सकता है लॉन्ग टर्म में अगर आप जियो के सिम यूज़ करते हैं तो, जिसमें कैशबैक है 4000 रुपीस का, 40 रिचार्ज वाउचर्स 100 रुपीस ईच और 3699 रुपीस के कुछ वाउचर्स अवेलेबल हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स का भी आप लाभ ले सकते हैं लॉन्ग रन में। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।